जी बेहतर जी, बस जहर है थोड़ा ऑफ एंड ऑन है, हम करें ठीक आप छुरिया वुरिया तो सोचा भाई आपका नहीं। बोर्ड लगाए फरजाना दवाखाना दस्तगीर में, माहौल थोड़ा वही वाला चल रहा है ना, अच्छा चल रहा है फुल, इसमें तिब्बी वो भी दे रहे हैं हम मशवरे। असल में बस जो है ना, असल में हम नालायकी में हर चीज में दोनों भाई जो है ना वो साथ साथ है। अच्छा तो मुझे सर, मैं तो एक छोटा सा, लेकिन आप ही हैं आगे आगे। नहीं बड़े मेरा आप है माशाल्लाह, मैं तो आपको देख देख वो 625 mg की एक एंटीबायोटिक ली थी जी मेरे डॉक्टर साहब ने। अच्छा एंटीबायोटिक से होता ही है कि अगर मैं वो खा लेता तो 4-5 दिन मेरे बहुत ही बुरे गुजरते, एक अजीब खुशकी हो जाती है, हॉलो होता है अजीब सा, तो मैंने कहा कि उसके बगैर गुजारा कर लेते, लेकिन वो फिर हुआ नहीं। और एंटीबायोटिक खाएं भाई, खाएं जरूरी है, सूट नहीं सूट कर जाए किसी को तो बड़ी बात है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं करती, मुझे भी नहीं करती है शदीद बहुत, तो मैंने तकलीफ में रहना गवारा कर लिया, लेकिन जो मैंने दवाई खाई उसमें जरा नींद थोड़ी ज्यादा है। अच्छा तो मैं इस वक्त भी थोड़ा सा जरा बस ऐसे ही, आपकी आंखें जो है वो, हाँ अगर आपको कुछ बुरा भला कह जाऊँ तो आप मेरी नींद का सदका मुझे माफ कर दीजिएगा। अच्छा आज हम बना रहे हैं भिंडी एंटीबायोटिक होने नहीं, लेकिन हाँ। वो हल्दी वाला सीन है ना। हाँ वो है पूरा बिल्कुल हल्दी वाला दूध हम ड्रिंक में बनाने। हल्दी भी और तरह की लग रही है कुछ मुझे, ये हल्दी है कच्ची हल्दी, एक्चुअल जो हल्दी होती है ना वो है ये। तो इसको दूध में मिला के पिया जी, इसको और हील करने में बड़ी हेल्प करती है। हाँ नो डाउट जी, वो मैं अभी बनाऊंगी। जब मुझे ये वो वाले इदारे वाली चोटें लगी थी तो मैंने ये पी थी और मुझे वाकई उससे बहुत आराम। हाँ ये बहुत बहुत अच्छी है, ये नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है। अच्छा जो हम मेन कोर्स में बना रहे हैं डिश में, वो हम बना रहे हैं स्पाइसी भिंडी मसाला ऑन सिजलर, मतलब सिजलर भिंडी मसाला बना रहे हैं। मेरी सबसे फेवरेट डिश थी। अच्छा जी हाँ, और अच्छा, प्याजों वाली भिंडी है रही है। सबसे पहले जो हमने किया, आप लोग घबराइएगा नहीं इससे, क्योंकि वो भिंडी के अंदर जो है ना थोड़ा सा पानी, घबराना दिए। अच्छा भिंडी जो है मैंने फ्राई करने के लिए रखी है, भिंडी चाहिए आपको सिंपल भिंडी ले लें, जैसे आप भिंडी गोश्त के लिए भिंडी काटते हैं उसके एंड्स काट के आपने उसको रख दिया गरम गरम तेल में। थोड़ा सा ये जब आप डालें तो आप एहतियात करें प्रिकॉशन के साथ, बच्चे ना हो किचन में, कोई ऐसा ना हो जो कि सामने खड़ा हो, पीछे होके डालें, बिकॉज ये अभी आपने देखा है कैसे ये ऊपर की तरफ आए, तो आप पीछे की तरफ से डाल के, बच्चे किचन में ना हो इसलिए हम फिर नहीं, मतलब आप तो डाल दिया ना पहले जाना था, ये तो अब देर हो गई है, पहले बता दिया गया ताकि चले जाएगा। अच्छा अब जो हम सिजलर पे भिंडी को सर्व करेंगे, सिजलर मींस के ये जो सिजलर होता है स्टेक का सिजलर, उस पे ये बड़ा आजकल फेमस हुआ है रेस्टोरेंट्स में, कर दिया इसको फेमस यहाँ पे भी किचन में। तो मैंने आपको बोला घर में सिखाती हूँ। अच्छा इसकी जो ग्रेवी है ना वो मैंने चढ़ा दी है पहले से, इसमें मैंने टोमेटो पेस्ट और दही डाल के, इंडियन इंडियन रेस्टोरेंट्स में जिस तरह की भिंडी मिलती है वैसे भिंडी है ये, अचारी फ्लेवर होता है इसमें। मैंने सरसों का तेल के अंदर मैंने ब्लेंड किया है दही को और टोमेटो पेस्ट को, ठीक है, और उसके अंदर मैंने डाला नमक हल्दी और लाल मिर्च, दैट्स इट, ये मसाले होते हैं। बाकी है? कलौंजी जो है वो हम डालेंगे इसके अंदर, कलौंजी के सीड्स, क्योंकि इसका ऑयल है WB हिमादी का, ब्लैक सीड ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल है, ओके कर देता है, वैसे भी बहुत अच्छा कर देता है ये। सात दाने कलौंजी के तो सुन्नत रसूल है इसके, पैसे अलग से देंगे इसके जो है ना, ये ग्रेवी बहुत मजे की ये तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी पक रही है, ये जो है हमारी वो हो रही है, क्या हो रही है, फ्राई हो रही है भिंडी, इसको मैं थोड़ा सा आई थिंक इधर कर देती हूँ। अच्छा ये हमने रखा सिजलर, इस पे बहुत इजी है, ये आपने देखा इसकी ग्रेवी बन रही है, ठीक हाँ, है वा, वा, वा। ये हम बना रहे हैं। अच्छा ये ग्रेवी मैं असल में ना प्रेप करके इसलिए रखती हूँ ताकि मैं आपको पका के पूरा दिखा दूँ, बिकॉज कच्चा फिर निकालती हूँ ना तो मजे का नहीं लगता वो चीज़ ना, मुझे खुद ही सैटिस्फैक्शन नहीं होती। कोई भी अब ये छुरी से कर रही होती है ना मेरी जान निकल जा रही होती है, मुझे भी बस डर को अपनी क्या अल्लाह ना करे कुछ, मतलब अल्लाह आपको अपनी अपनी तरह से आपके लिए, वो जो उस दिन हुआ ना सॉरी मेरे दिमाग में। अच्छा अब हम जो है ये हमारे पास प्याज है जो के हम ऐसे काटनी है, हमने ज्यादा इसको ना फाइन करना है ना कुछ करना है। मैं बताऊं काट के कैसे सुनिए नहीं आप जो है ना वो अब आपको छुरी का काम और कोई भी हम ऐसा काम नहीं देंगे, बिकॉज आपने अपना जोश भरा जो उस दिन दिखाया था मुझे भी काटना उसके बाद ऐसे मैं भी काट सकता हूं, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते आप पे। अच्छा अब वैसे भी मैं आपको भी काम नहीं करने दूंगी क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमारा फर्ज है कि हम आपको आराम, माशाल्लाह बेहतर है मेरे होने का यहाँ पे फायदा क्या है शुरू की। सब वैसे भी पता सब कमेंट्स पे कह रहे हैं कि शेफ अपना काम क्यों नहीं करती हैं खुद, जो उनका हाथ कट गया। अरे नहीं 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 बिल्कुल नहीं, वो इसमें आपको तो कोई, मैंने कहा कि भाई तो मैंने ये काम किया था आपको, एक तो एक इकरार भी कहा था, उसमें भी मुझे खुद ही कह देना चाहिए था कि यार मुझे नहीं आता, तो आप मैं इकरार भी से कहता कि वो आपसे क्या, वो ही ना इट वाज माय मिस्टेक, कंप्लीटली माय मिस्टेक, किसी और की नहीं।
अच्छा ये सॉरी डालडा का हमने डाला इसके अंदर ऑलिव ऑयल जस्ट टू गिव इट अ नाइस ऑलिव ऑयल फ्लेवर. इसमें ऑलरेडी हम सरसों का तेल डाल चुके हैं. ठीक है. अच्छा अब ये जो सिजलर गरम हो रहे हैं ना, इस पे जो हमने प्याज डाली है ये हम रख देंगे. भिंडी और प्याजों का जो कॉम्बिनेशन है मजे का लगता है ना, वो आपके और मेरे कॉम्बिनेशन से भी अच्छा है. बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा. तो इसको हमने रखा इधर. मीनवाइल हमारी भिंडियां फ्राई हो रही हैं. अच्छा अब हमने क्या करना है, मज़े का काम जो है ना वो ये है कि ये आ गया इधर. तो आपको पता चल जाता है कि ये रेडी हो गए. खास तौर पर जो लोग सब्जियां ना खाते हो शौक से, उनको आप प्रेजेंट ही इतने अच्छे तरीके से करो और उन्हें शशके डाल दो, बोलेंगे यार हमें सब्जियां ही दे दो. हम सब्जियां ही खाएंगे पूरी उम्र ना. ये देखिए आपको भिंडी पसंद है? हां मुझे भिंडी पसंद. लेडी फिंगर खाएंगे आप लोग ये? वैसे अगर आज खाएंगे बच जाए तो बच जाएगी. मैंने और भी मंगवाई हैं. लेकिन इसके साथ रोटी नान क्या होगा? सॉरी इसके साथ क्या होगा सर्व करने के? नान या चावल? अच्छा चावल के साथ भी खाया जाता है. आप ऐसी चीज कर सकते हैं इसके साथ जो कि आप आपको मतलब स्टेपल आप कुछ भी रख सकते हैं. इसको आप ऑन इट्स ओन तो नहीं खा सकते वैसे, क्योंकि उसमें मिर्चें होती हैं, स्पाइस लेवल जरा ज्यादा होता है. ठीक है. ये भिंडियां देखें कितना फास्ट और कितना जल्दी आप प्रेप करके अगर रखते हैं तो आपको. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप कोई ऐसी चीज इसमें ऐड नहीं करती जो बहुत ही कोई एक्सपेंसिव हो या सिंपल सा बताया. बड़ी शानदार बात है. ये जो है ना कसूरी मेथी होती है, फेन्युग्रीक लीव्स वो हमने डाल दिए, थोड़ा सा इसमें खटास के लिए लेमन जूस डाल दिया और इमली का पानी भी डाला जा सकता है. इमली का पानी डाल सकते हैं आप, बिल्कुल डाल सकते हैं. आप भाई का नॉलेज चेक करें. कमाल है भाई. आप ये देखिए. हाँ बिल्कुल. मैं कल आपको याद ही कर रही थी. मैंने कहा कि कल मुझे कसौटी में भी याद किया गया मैंने. मुझे खबर मिली. ये इसको हम हल्की आंच पे छोड़ते हैं तो मैं जल्दी से ना आपको वो बता देती हूँ. टाइम कितना है हमारे पास? ओके तो टाइम का तो नहीं, किसी को भी नहीं पता. वक्त का क्या पता है? वक्त का क्या पता मुझे? ऑलपर्स का मिल देंगे आप? ऑलपर्स का उल्टे हाथ से तो चलेगा, ये गैर खिलाफी तो नहीं है. क्या चीज उल्टे हाथ से पकड़ाना? हाँ हाँ. इसी के सीधा हाथ मेरा जो है वो अगर भाई सीधे हाथ में मसला है तो वो कोई मेरे जीतो पाकिस्तान को इतना सेलिब्रेट किया एकदम से मुझे एहसास हुआ और बहुत अजीब तस्वीर आई हुई है. हमने डाला दूध, हल्दी वाला दूध बताना चाह रही हूँ. हल्दी वाले दूध के बारे में ऑलपर्स का दूध है जो कि 28 हम इसमें डालेंगे कच्ची हल्दी. ठीक है. कच्ची हल्दी जो कि ये है, आपने मतलब उसको छील लिया, धो लिया एंड देन कच्ची हल्दी. कच्ची हल्दी और पक्की हल्दी में क्या फर्क है? कच्ची होती है, पक्की होती है? वो एक्चुअली जो ज्यादा असर वाली होती है ना वो कच्ची हल्दी होती है, क्योंकि कच्ची हल्दी जो है वो आपको ऑब्वियसली जो है जैसे आप रॉ फॉर्म में कोई चीज खाते हैं और पका के खाते हैं, उसको प्रोसेस करके खाते हैं तो वो डिफरेंट. सिर्फ पीस की हल्दी नहीं बना ली जाती है, इसको पकाया भी जाता है पीसने से पहले. इसको बेसिकली सुखाया जाता है एंड देन इसका पाउडर बनाया जाता है ना, डिहाइड्रेट करके इसका पाउडर बनाया जाता है. अब आपने हल्दी डाल दी इसके अंदर, आपने डाला मिठास के लिए इसके अंदर शहद. ओके वाह. ठीक है. आप शुगर ना लें, इसमें शहद डाल दें. और एक और चीज थी मेरे पास जी, इलायची का पाउडर. ऑलराइट सही है. ये आपने अच्छे से इसको जो है वो मिक्स करेंगे आप, खासतौर पे मलाई बूटी वगैरह अच्छे से मिक्स करेंगे. और मीनवाइल ये देख रहे हैं हमारे सिजलर पे भिंडी रेडी. आई होप के इसको मैं इससे उठा सकूं. मैं हेल्प करूं आपकी? लाइए. नहीं ये इससे उठ जाएगा. ये मैंने इससे आई होप मुझे कर रहे थे आप. अच्छा आप ही को दे दूं मैं ये काम? शुक्रिया. पहले तो इसको वापस करें. सही है. अच्छा इसको हम उठा के इसके ऊपर रखेंगे जो कि हमारा है वुडन. इसका ये आ गया ये चीज. वाह वाह. लड़कों के और आदमियों के काम हो ना, मुझे हाथ दुखा लिया है. जबरदस्त हो गया. ठीक है. इसको हमने बंद किया, इसको हमने यहाँ पे रख दिया. भिंडी मसाला जो है आपका रेडी है भाई, बहुत अच्छा मसाला. और ये जो दूध बन रहा है ना, ये हमारा दूध बनेगा. आई होप ये बन जाए. मैं आपको वैसे वर्बली बता देती हूँ कि इसके अंदर आपने हल्दी डाली, ऑलपर्स का मिल्क डाला जो कि 28 टेस्ट से पार हुआ हुआ है. हल्दी भी किसी ब्रांड की है या सादा हल्दी? नहीं, हल्दी जो है वो किसमें बागात में निकलती है? कैसे निकलती है? खेत से आई है हल्दी, डायरेक्ट हमें प्लांट से मिली है. और प्लांट जो है ना वो कोई ब्रांड नहीं है उसका. और हल्दी आई है और ऑलपर्स के अंदर हमने उसको मिलाया, उसके अंदर
अंदर हनी डाला, शहद, और उसके अंदर हमने इलायची का पाउडर डाला है। शहद आपके यहाँ WBY पे होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा, 100 किस्म का। और मैंने वो यूज किया बाय द वे, हमें कभी भेजा ही नहीं उन्होंने। चलो हम खरीद लेंगे, बड़ा अच्छा। आपको भेजूंगा, मैं आपको भेज दूंगा। ऑर्गेनिक उसमें फील है। मैंने वैसे खुद खरीदा था पहले, जब मैं आपको नहीं जानती थी, मुझे क्या पता था कि मैं इतनी लकी होंगी कि अरे वाह वाह वाह, बॉय के साथ। अच्छा, ये जब उबल जाएगा तो ये आप पियेंगे आज। और ये सैनिटाइजर जो है, मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान में जितने मैंने खरीदे वो शायद मैं आपका रिकॉर्ड ग्राहक हूँ। और मैं ले लेके तस्वीरें भेजता था, कार्टन के कार्टन, और बहुत नहीं, वैसे भी बहुत अच्छे हैं इसमें। जी जी बिल्कुल। मेरे भाई इसको हम पकाएंगे, छान के हम ग्लासेस में या कप्स में डालेंगे, जैसे आपने पीना। इसको गरम गरम पिए तो उसकी तासीर ज्यादा अच्छी होती है। एक ग्लास में हम निकालेंगे 7 अप। मैं निकालूं? ये इतना ये 7 अप। अच्छा, अगर 7 अप जो है ना, उससे हम दिल की बात कह सकते हैं 7 अप के साथ। और 7 अप नहीं हो तो हर खाना अधूरा है। और इस टाइप के खाने, जिस तरह के ये देसी खाने हैं, इसमें अगर आप 7 अप पी लें इसके साथ ना, तो मज़े ही आ जाते हैं। अच्छा, जैसे ही आप इसको सिजलिंग होना तो तभी आप इसको सर्व करें, खाने में हाँ, उस वक्त तो मजा है ना सर्व करने का। टेबल पे और जगह नहीं है, बर्फ की जगह फिर नहीं छोड़ी मैंने। क्या रख दूँ? चले जबरदस्त। अरे वाह। और ये आपने बताया हल्दी वालों को, यानी वैसे भी अगर किसी को कोई जख्म आया हो तो जल्दी हील करने के लिए, जल्दी हील होता है। आप नेचुरल चीज है और नहीं भी खा रहे ना एंटीबायोटिक, जैसे एंटीबायोटिक तो आप 4-5 दिन खाते हैं, आप 1 हफ्ते ये पिए हैं, आप नहीं खाते इफ्तार में। और इतना अच्छा, इससे आपको ताकत आती है, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत, आपकी इसमें सेहत जो है ना वो अच्छी हो जाती है। तो मैं तो ये बनाती हूँ घर में। क्या इंशाल्लाह बहुत बता रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आते हैं ब्रेक के बाद, दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे, और मजीद मालूमात के लिए +92322733574 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।